फ़ारसी अशनाफ़ सकन की अपनी एक सिफ़ अदब है यूँ तो फ़ारसी में तमाम अशनाफ़ अरबी से डराई हैं लेकिन मसनवी और रबाई और तारीख गोई ये फ़ारसी की अपनी है इसकी शुरुआत रोजकी से होती है सबसे पहले रोजकी ने ही रबाइयाँ कही हैं और एक ख़ास वजन में जिसका वजन बर हजज में चौबीस औजान उसी वक्त से राइज हैं जो दो शजरों में बढ़ते हैं एक अकरम एक अखलब यूँ तो बारह औज़ान हैं इसके लेकिन आखिर में तस्वीर और इजाले की तर्ज पर एक बढ़ने के बाद ये चौबीस हो जाते हैं बारह अखरम के शजरे में हैं और बारह अखरब के शजरे में हैं इस सूरत से चौबीस औजान होते हैं रबाई की तारीफ़ ये है कि शुरू से ही रबाई में अखलाक मजामी हिम्मत और जोश दिलाने की बातें कही जाती रही हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रुबाई चार मिसरों की वो सिनफ़ सुखन है जिसमें तसव्वुफ, अखलाक और दुनिया में रहने और जीने के लिए आगे बढ़ने और हिम्मत से काम करने के लिए मजामी बांधे जाते हैं उर्दू को फ़ारसी ज़बान का कायम मकाम कहा जाता है उर्दू में भी वही असनाफ़ सुखन रज हुई जो फ़ारसी में पहले से मौजूद थी और ज़ाहिर जो सबसे अहम सिंफ सुखन कही जाती है वो गज़ल के बाद रुबाई है उर्दू की शायरी यूँ तो अमीर खुसरो से शुरू होती है मसूस् सलमान के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू का एक दीवान छोड़ा था मगर वो अभी तक तो दस्याब नहीं हुआ है इस सूरत से खुसरो ही उर्दू के पहले शायर माने गए हैं लेकिन खुसरो के यहाँ कोई रुबाई नहीं मिलती है काफ़ी मदद के बाद कुली कतुब शाह जो उर्दू के अब पहले शायर तस्लीम कर लिए गए हैं बाजी साहिब दीवान शायर उनके यहाँ रवाइयाँ मौजूद हैं दक्षण में रवाई कहने का आम चलन हुआ और क्योंकि कुली कुलब शाह के पास रिवायत फ़ारसी की मुकम्मल रिवायत थी उन्होंने तमाम उनाफ़ सुखन पर कलाम कहा और रुई भी उसमें कहा कम है रवाइयाँ उनके ज़्यादा रवैयाँ नहीं है लेकिन उन्हीं के साथ मुला वजह और जो भी उस ज़माने के शायर हैं सब ने रवायाँ कही हैं वो उस रबाइयों की ज़ुबान वही ज़ुबान है जो अब समझने में ज़रा मुश्किल हो रही है उसके बाद वली का ज़माना आता है वली के यहाँ भी रवायाँ मिलती हैं लेकिन जो गोल्डन पीरियड उर्दू का कहा जाता है जिसमें हम कहें मे तकी मिर मे दर्द मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा मीर हसन वगैरह तो मीर तकी मीर ने सिर्फ रवाइयाँ ही नहीं कि कहीं बल्कि मस्ताद रवाइयाँ भी मीर तकी मीर की मिलती हैं मीर दर्द ने भी दो रवाइयाँ लिखी हैं और इस तरीके से अब जब ये बात दूसरे दौर में दाखिल होती है जाहिर है मीर के बाद जो ज़माना है वो आतिश नासिक अनीस और दबीर का है अगर रवाई उर्दू रबाई में हम एक बड़ा नाम सोचना चाहें किसका है तो वो अनीस का है उसी ज़माने में मिर्जा जबी ने रवाइयाँ कहीं क्योंकि इनको मरसिया पढ़ने से पहले एक माहौल बनाना होता था और वो माहौल सिर्फ़ रवाई से ही बन सकता था इसलिए जितने भी मरसिया को शायर हैं सब ने रवाइयाँ कही हैं और अच्छी रवायाँ कहीं हैं इसके बाद गालिब मोमिन का ज़माना आता है गालिब के भी रवायाँ हैं और गालिब ने भी अच्छी रवायाँ कही हैं उस ज़माने में जो भी शायर हुए हैं वो उर्दू की शारी भी करते थे फारसी में भी शा कहते थे लिहाज़ा फ़ारसी में रवायाँ कहते थे गालिब की रवायतें फारसी में भी हैं और उर्दू में भी हैं यहीं पर गालिब के शागिर्द मौलाना हाली हैं मौलाना हाली ने दो तरबियत उनके पास रही एक सरसैद की तरबियत और एक मिर्जा गालिब की तरबियत वो मिर्ज़ा गालिब के शागर्द भी हैं मिर्जा गालिब ने उर्दू अदब में जो एक नई राह निकाली थी उसी राह को आगे बढ़ाते हुए हाल ही ने कोशिश की कि गज़ल को सलाम करके नजम नज्म की तरफ़ आएँ तो नजम में अगर हम देखें तो उस वक्त जो मौजूद चीज़ थी जो हाल ही चाहते थे कि समाज को अच्छा बनाया जाए माशरे से बुराइयों को दूर किया जाए तो इसके लिए सबसे मौजूद तरह जो सनफ़ सुखन थी वो रुबाई थी नाजरीन आदाब पिछली गुफ्तु में हमने रुबाई के फ़न और उसकी रिवायत अरत का जायज़ा लिया था मौलाना अलताफ़ हुसैन हाली उर्दू के रुबाई गो शायरों में बेहद अहमियत के हामिल हैं आज हम उनकी रुबाई नगारी का तज्जिया करेंगे प्रोफेसर मुजफ्फ़र हन्फी के तैयार करदा लेक्चर की पेशकश के लिए मैं जमरदम़ल आपकी खदमत में हाजिर हूँ हाल ही उर्दू के रुबायी नगारों में अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं शमसुल मौलाना अताफ़ हुसैन अंसारी हाली पानीपति 1837 ईस्वी में पंजाब हाल हरियाणा के मशहूर शहर पानीपत में पैदा हुए उनके वालिद ख्वाजा बख्श की दो लड़कियां और दो लड़के थे अलताफ़ हुसैन छोटे बेटे थे उन्होंने अरबी पहले नवाजिश अली से और बाद हाजी इब्राहिम से सीखी फारसी में उनके उस्ताद जाफ़र अली थे हाल ही की पैदाइश के कुछ अरसा बाद उनकी वालदा दिमागी तोज़ुन खो बैठी और जब वो नौ बरस के थे तो उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया इसके बाद उनकी परवरिश और परदाख्त उनके बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने की और सत्रह बरस की उम्र में उनकी शादी कर दी गई इसके बाद वसूल इल्म के लिए दिल्ली चले आए और वहाँ मिर्ज़ा गालिब की शागिरदी इख्तियार कर ली दिल्ली में हाल ही ने मुलाजमत भी इख्तियार की लेकिन अट्ठारह सौ सत्तावन के हंगामे के बायस वतन लौट आए कुछ अरसे के बाद दिल्ली में वो नवाब मुस्तफ़ा अली ख़ान शेफ्ता के बच्चों के अतालिक मुकर हुए नवाब साहब के इंतकाल के बाद वो लाहौर पंजाब चले गए और पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम हो गए 1874 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नए तर्ज़ के मुशायरे के लिए उनने चार मसनवियाँ बरखा रुत उम्मीद इंसाफ और हुब्बे वतन लिखी अलीगढ़ कॉलेज में उनकी सरसैद से मुलाकात हो गई और उनकी तहरीक से मुतासर होकर हाल ही ने मुसदस मद्दोज़र इस्लाम लिखा जिसने मुल्क में तहलका मचा दिया 1874 में उन्होंने हयात सादी और अठारह में मिर्जा गालिब की हयात तो व शायरी पर मबनी किताब यादगार गालिब शाया की इसी बरस उन्होंने अपने दीवान का मुकदमा भी तहरीर किया सर सैद की हयात तो और कारनामों पर उन्होंने हयात जावेद तहरीर की 1914 में हाल में हाली को शमसलौलमा के खिताब से नवाज़ा गया उनकी अदबी खिदमत का अतराफ़ करते हुए निज़ाम हैदराबाद ने उनका सत्तावन रुपया माहाना वजीफ़ा मुकर किया जो बाद में एक सौ रुपया कर दिया गया हयात सादी हयात जावेद और यादगार गालिब के अलावा मुसदस हाली कल्यात हाली मुकदमाए शेर व शायरी शिकवा व मनाजात बेवा चुप की दाद और मजमु नज़म फारसी भी उनकी काबिल जिक्र तानीफ हैं उन्होंने बहुत सी रुबायात भी तख्लीकें आखिरी उम्र में उनके दिल और दिमाग पर सख्त असर पड़ा और वह क़वत गोयाई से महरूम हो गए और आखिर 31 दिसंबर 1914 और यकम जनवरी 1915 की दरमिया रात को वो इंतकाल कर गए सर सैद की तहरीक के ज़ेर असर हाल ही ने अपनी ज़िंदगी का मकसद यही करार दिया था कि अपनी कौम के साथ हमदर्दी करें हम वतनों के दिलों में गैरत और हमीयत का जोश पैदा करें उनको वहम और तसब की जंजीरों से छुड़ाएँ उनको ज़माना हाल की ज़रूरतों पर माहल करें उनके दिमागों में जदीद तहज़ीब की रोशनी पहुँचाएँ और उनको देगर अकवाम की तरह इल्म व अमल में सबकत ले जाने पर आमादा करें उनकी शायरी की सारी कुव्वत इसी एक काम में सर्फ हुई हाल ही वक्तन फवक्तन रुबाइयाँ लिखा करते थे उन रुबाइयों में उनकी शायराना कुव्वत मौजूद है और ये भी उसी कौमी दिलसोज़ी की आग की चिंगारियाँ हैं जो उनके दिल में हर वक्त भड़कती रहती थीं और उनमें भी वही पाकिज़ा इल्मा हैं जो उनके फ़लसफाना दिमाग पर अक्सर नाजिल हुआ करते थे उर्दू शरा ने रुबाई की तरफ बहुत कम तोज्ह दी है ज़्यादातर शुरा ने गज़ल मरसिया कसीदा और मसनवी को ही अपनी जौलान गह बनाया है उर्दू में एक भी ऐसा शायर नहीं है जिसे हम मुकम्मल तौर पर रुबाई का शायर कह सकें अक्सर शुरा ने दूसरी असनाफ़ पर तब करते हुए चंद रुबाइयाँ लिखी हैं बकोल वहीदुद्दीन सलीम मौलाना हाली अनीस और मीर के कलाम से बहुत मानूस हैं और उन दोनों की शायरी से बहुत लुत्फ उठाते थे इसलिए उनके कलाम में भी उन दोनों शायरों की झलक पाई जाती है रबायात हाली सफ़ासात अलताफ़ हुसैन हाली का शुमार उर्दू के एक अहम रुबाई गो शायर की हैसियत से होता है मौलाना हाली ने रुबाई की सिंफ़ को मुजालस अज़ा से निकाल कर आम अदबी मजलसों तक पहुँचाया उनसे कबल अमूमन उर्दू रुबाई वाकयात तो वानहत करबला तक महदूद थी हाल ही का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने सिंथ को उस महदूद फिजा से निजात दिलाकर तामीरी खिदमत पर लगा दिया इसके नतीजे में रुबाई मुशायरों में जगह पाने लगी उन्होंने अपनी शायरी से तकलीद की बंदिशें तोड़ दीं, कदामत परस्ती की बुनियादें हिला डालीं, अहल मुल्क को आजादाना ख्याल और शरीफाना अखलाक पर माहल किया और उनके दिनों में जदीद तमदन की रूह फोंकी हाल ही ने अपनी शायरी में तकलीद और कदामत परस्ती का खाका उड़ाया और ख़्याल की आज़ादी की बुनियाद डाली है और अपनी कौम को नेकी और हमदर्दी पर माहल किया और नई तहजीब से उनसियत पैदा की इन मौजूद पर रबाइयाँ मिलती हैं मजहबो अखलाक तलीमो तरबियत अदबो फलसफ़ा सियासत विकमत तमदन माशरत पंदोनसा मुल्क व मिलत किरदारमल गरज हाल ही ने ज़िंदगी के बेशुमारखलाक पहलुओं असलाही नुकों और तमीरी कामों को रुबाई में जगह दी है उनकी रुबाइयाँ दरस अखलाक और दरस हयात का दर्जा रखती हैं रुबाइयों में भी हाल ही का अंदाज़ नासहाना और वाहजाना है हाल ही की शायरी का आगाज़ उस ज़माने में हुआ जब बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारी शायरी फ़ारसी के परों से उड़ती थी इस शायरी में बदा का हुसन बुलंद आहंगी जोर तख्युल और चमक दमक थी हाल ही ने अपनी इब्तदाई गज़लू में रिवायती शायरीों के अंदाज़ को अपनाया था और इश्किया शायरी के तमाम लवाजम की पासदारी की थी लेकिन बदले हुए हालात शूर की बालिदगी, असरी हसीत और सैद की रफ़ाकत ने उन पर नई ज़िंदगी के इम्कान और उसके तकाज़ों की हकीकत मुनकश कर दी थी हाल ही ने गलें कहीं भी तो नए रंग आहंग और बदले हुए लबो लहजे में हाली की नज़ निगारी उनकी तर्ज़ फिक्र की तर्जुमान और उर्दू शायरी के सरमाए में ग्रां कदर इजाफ़ा ही नहीं वो एक नई रविश का पता देती है और अदब के नए तेवरों की आयनादार भी है हाल ही की रुबाइयात उर्दू शायरी में नई आवाज़ और नई उठान की महर बनकर सामने आईं शुरू में हाल ही की रुबायाँ उनके दीवान के साथ छाया हुईं बाद में इन रुबाइयों को एक अलग किताबी शक्ल में रुबाइयात रबायात हाली के नाम से शाया किया गया हाल ही का जमाना एक इनकताब का ज़माना है शायरी में भी वो लाने की कोशिश करते हैं हाल ही हैं मौलाना हुसैन आजाद हैं शबली नुमानी हैं ये सब के सब एक शायरी में इनब लाना चाहते थे और कोशिश की इनकताब लाने की जाहिर है कि ये गजल से नज़म की तरफ आए हैं और रबाई एक ऐसी सुकून है जो गज़ल और नजम के बीच में पुल का काम भी करती है इसमें गज़ल के मजामी भी आते आते हैं और नजम तो यही है है लिहाजा ये हाल ही, ही। ये हाली के साथ जो हाल ही के और दोस्त अहबाब थे या उनके बाद जो लोग आए उन्होंने भी रवाइयाँ कही इसीलिए हाली ने रवायाँ लिखीं और उनकी रवाइयाँ मकबूल हुईं आज को शोरा में उस दौर में अगर हम देखें तो हाल ही का अहम नाम सामने आता है उनकी रवाइयाँ रवाजो ख़ास हैं और उनके जो मजामी हैं जो उनको जो उन्होंने अपनी नजमों में लंबी लंबी नजमों बरखा रहते हैं उन्होंने लिखी बेवा के बारे में उन्होंने लिखा बहुत सी नजमें उन्होंने लिखीं लेकिन अगर वो पूरा मजमून जो एक नज़म लिखते हैं वो कभी कभी उन्होंने एक रवाई में भी मौजूद कर दिया है इसी वजह से जो रुबाई की जामियत है और कहा जाता है कि रुबाई लिखने के लिए एक बड़ा तजर्बा शायरी का एक लंबी उम्र चाहिए उसी वक्त रुबाई लिखी जा सकती है और हाल ही को ये सब चीज़ें दस्याब हुई गालिब की शागिदगी मिली सर सै की तरबियत मिली और अपना ज़माने का माहौल जिसमें हर तरीक़े की रुबाई की ज़रूरत थी उन्होंने उसमें कही हाल ही ने कुल एक सौ तिरपन रुबाइयाँ लिखी हैं उनकी तीन रुबाइयात नवाब मुल्क मरहूम की मिली और कौमी ख़िदमत के अतराफ़ में हैं हाल ही ने इन रबाइयों में उनको खराज अकीदत पेश किया है दम भर न कभी जान को आराम दिया ख़िदमत के लिए कौम की मर मर के जिया पीरी हुई सदे राह उसकी न मरज सदियों का जो था काम वो बरसों में किया हाल ही की रुबाई का सबसे अहम मौजू दीनी व दुनियावी असला है उनकी कई रुबाइयाँ वहदानियत के मौजू पर हैं इन रुबाइयों में हाल ही ने खुदा के वजूद का जिक्र किया है उनका कहना है कि हर शख्स खुदा के वजूद का कायल है अगरचे वह उसे मुख्तलफ़ नामों से याद करता है कोई बुतों में उसका जलवा देखता है कोई आग को उसका मजहर करार देता है मुनकरो मलहद उसको मादा का नाम देता है दूसरी रुबाई में वजूद बारी तला का सबूत देते हुए कहा है कि जब इंसान किसी मुसीबत में मुबला हो जाता है और उसे अपनी जान खतरे में नज़र आती है तो उस वक्त उसे सिर्फ़ खुदा याद आता है वही उसका बड़ा सहारा होता है वो वह दिली से उसकी तरफ मुतवज्जे होता है अपनी एक रुबाई में कहते हैं हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा आतिश पे मुगा ने राग किया तेरा दहरी ने किया दहर से ताबीर तुझे इनकार किसी से बन आया तेरा एक दूसरी रुबाई तूफ़ान में है जब जहाज चक्कर खाता जब काफला वादी में है सर टकराता अस्बाब का आसरा है जब उठ जाता वहाँ तेरे सिवा कोई नहीं याद आता हाल ही की रुबाई में हजूर अक्रम स की ज़ा गिरामी से अकीदत व महब्बत का जज्बा भी मिलता है उनके जज्ब खलूस की वजह से नातिया रुबाई में ख़ास किस्म का लुत्फ़ असर पैदा हो गया है बतहा को हुआ तेरी विलादत से शरफ़ यशरफ को मिला तेरी यकामत से शरफ़ औलाद ही को फ़ख्र नहीं कुछ तुझ पर आबा को भी है तेरी अबूवत पे शरफ़ हाल ही की रुबाई में मजहबी रवादारी इंसानी मसावत और जुमला मजहब से मोहब्बत का दर्स मिलता है वो लोगों को मजाहब के मुख्तलिफ ख़ानों में तकसीम करने के ख़िलाफ़ हैं इस वजह से इंसान अपने आला मकाम से गिर गया है आज हर शख़्स हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई खानों में बट गया है मजहब के ख़ानों में बट कर इंसान इंसान का खून बहा रहा है मज़हब तमाम इंसानों को एक लड़ी में पिरोने के लिए आया था लेकिन मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं उसकी वजह से इस दुनिया का अमन सुकून सकून गारत हो गया है हाल ही चाहते हैं कि दुनिया अमन व आशती का गहवारा बने और ये उस वक्त मुमकिन है जब लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दें और सुलहो आशती से रहें तब ये दुनिया जो आज जहन्नुम का बदतरीन नमूना बनी हुई है जन्नत बन जाएगी हाल ही ने रुबायू में बदहाल मुस्लिम कौमों को मेहनत मशक्क़त का दर्श दिया है वो जानते हैं कि कौम की पस्ती और बदहाली की सबसे बड़ी वजह काहली और तसाहली है कौम के नौजवान हौसला शिकन हालात और नाकामियों की वजह से इस कदर शिकस्त दिल हो गए हैं कि अब वो मेहनत से जी चुराने लगे हैं हालात ने उन्हें कनूतीत का शिकार बना दिया है हाल ही ने कौम के नौजवानों को हरकत और रजाहियत से काम लेने की तलकिन की है हाल ही ने नौजवानों को मेहनत व मशक्क़त हिम्मत हौसला और, और जोश व इस्तलाल के साथ मैदान अमल में कूद पड़ने की तरगीब दी है इसके साथ ही उनको आला किरदार और बुलंद अखलाक़ का हामिल बनने के लिए कहा है यहाँ रहने की मौलत कोई कब पाता है आता है अगर आज तो कल जाता है जो करने हैं काम उनको जल्दी ही भुगताओ तलबी का प्याम वो चला आता है बेहिसी और बेअमली से उभारने के लिए कौम को डराते हैं आबा को ज़मीन मुल्क पर इतमान औलाद को सुस्ती पे कनात का गुमान बच्चे आवारा और बेकार जवान हैं ऐसे घराने कोई दिन के मेहमान कोलोफेल के तजाद पर इजहार ख्याल इस तरह किया है कहते हैं जो कुछ जबाँ से करते हैं वो कम होते नहीं साथ जमा दम और कदम बढ़ता गया जिस कदर भी हुसने गुफ्तार बस इतने ही घटते गए किरदार में हम इल्म की अजमत व अहमियत से को इनकार हो सकता है वो कौम आज बाम अरूज पर है जिसको इल्म और हुनर की दौलत हासिल है इल्म हमेशा इंसान को तरक्की की राह पर ले जाता है इल्म दीन और दुनिया दोनों को संवारता है इल्म की अहमियत पर हाल ही ने मतदद रुबाइयाँ लिखी हैं इल्म किया है तूने मुल्कों को निहाल ग़ायब हुआ तू जहाँ से वहाँ आया जवाल उन पर हुए ग़ैब के ख़जाने मफतू जिन कौनों ने ठहराया तुझे रासमाल एक और रुबाई एम कलीद कंजशादी तो है सरच्मा नगमाद आबादी तो है आसाइश ये दो जहाँ है साया में तेरे दुनिया का वसीला दीन का हादी तू है अफलासो उसरत की मजम्मत में रुबाई कहकर वो मुसलमानों को ख़बो गफलत से बेदार करना चाहते हैं सहरा में जो पाया एक चटियल मैदान बरसात में सब्ज़ा काना था जिसमें निशान मायूस थे जिसको जोतने से दहकान याद आई हमें कौम के अदबार की शान वो अपनी कौम को मेहनत व मशक्क़त का आदि बनाना चाहते हैं मेहनत ही के फल हैं यहाँ हर एक दामन में मेहनत ही की बरकतें हैं हर एक खिरमन में मूसा को मिली ना कौम की चौबानी जब तक न चराई बकरियाँ मदीन में खुदा के अलावा किसी दूसरे के सामने दस्ते सवाल दराज करना उनके नज़दीक गुना है एक रुबाई में फरमाते हैं एक मर्द तोाना को जो साइल पाया कि मैंने मलामत और बहुत शर्माया बोला कि है उसका उनकी गर्दन पे वबाल दे दे के जिन्होंने मांगना सिखलाया हाल ही के यहाँ कुछ ज़रिफाना और तंजिया रुबाइयाँ भी मिल जाती हैं मसलन वाइज ने कहा कि वक्त सब जाते हैं टल एक वक्त से अपने नहीं टलती तो अजल की अरज़ ये एक सेठ ने उठ कर के हुजूर है टैक्स का वक्त भी इस तरह अटल बीसवीं सदी की पहली दहाई में हाल ही की रुबाइयात का पहला मजमू सर रास मसूद की मुख्तसर सी तमहीद और वहीदुलद्दीन सलीम के अजमाली मुकदमे के साथ छाया हुआ था जिसमें हर रुबाई पर एक वान कायम किया गया था इन रुबायात में हाल ही ने मुल्क कौम की सलाह के लिए ऐसे मौजूद पर ख़ामा फ़रसाई की है जो अट्ठारह सौ सत्तावन की नाकाम जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तानियों की माशी इन्हत और अखलाक जवाल से मुतासर होकर उन्हें इस कदर जिल्लत से निकालने के लिए नासहाना अंदाज़ में पेश की गई हैं उनकी तैदाद सो से कुछ ज्यादा है जिनमें सुलह कुल ग्रूर से इजतनाब अमल के तजाद की मुजर असरात आलिम जाहिल के फ़र्क की वजाहत फजूल खर्ची की मजम्मत खुदातमी की तलकिन अंदाजी का अंजाम बेजा तो से गरेज, गबत की बुराई रास्तबाजी की तलकिन कम हिम्मती से बचने की ताक़ीद, गदागरी से गुरेज करने का सबक जूठी नुमाइश खुद पसंदी और खुदराई की कबाहतें अमल की हिदायत खामोशी जवाब जाहिलां, अफरात दौलत की मजम्मत जिल्लत की ज़िंदगी से मौत बेहतर है और ऐसे मतद्द इस्लाही, मौजुआत और पंदो मौज़त से लबरेज़ रुबाइयाँ कहकर हाल ही ने कौम की जो ख़िदमत अंजाम दी है उसकी मिसालेंर्दू की दूसरी क्लासिकी अफ़ अदब में कम मिलती हैं इस सिलसिले में ख़ातिर निशान रहे कि इन रुबायात केववानों से उनके मवाद व मजाज का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है मिसाल के तौर पर कुछ रुबायाँ मुलाहजा कीजिए नसीहत की है कि बुढ़ापे में आशकी का दम भरना हिमाकत है आए पीरी में शेख भरते नहीं यूँ दिल देते हैं पर जी से गुजरते नहीं यूँ थे तुम तो हरी कैद से आज़ाद सदा जो जीते हैं इस तरह वो मरते नहीं यूँ वाहजों की सख्त कलामी पर तंज करते हैं एक गबर ने पूछे जो इस्लाम, वाहज़ ने दुरुस्ती से किया उससे कलाम बोला के हज़ूर मुक्तदी हूँ जिसके ऐसी मिलत और ऐसे मज़हब को सलाम एक रुबाई में तश्नगीय तलब की शिद्दत इस तरह बयान की है कब तक कोई सोजशे नहानी को छुपाए कब तक अपने को तिशना सैराब दिखाए कचदाररीज़ से तेरी ए साकी पत्थर का कलेजा हो तो पानी हो जाए एक जगह आहदे पीरी के बारे में फरमाया, इल्मो अमलो किताब से नफ़रत है लिखने पढ़ने के नाम से वहशत है तूने हर दर्द सर से दी आके निजात पीरी रहमत है तुझको सद रहमत है इस सिलसिले की एक और रुबाई है पीरी नहीं मंजिल फ़ना है गोया अब कूच का वक्त आ लगा है गोया यूं जिसम से हो गई हरारत काफूर इखराक का ढेर रह गया है गोया फरमाते हैं इंसान हालिते मौजूदा पर काना नहीं होता हासिल है अगर ख़ुशी तो है गम की तलाश अगर शहद मुयसर है तो है सम की तलाश काने नहीं कोई हालत नक़ पे यहाँ जन्नत में भी शायद हो जहन्नुम की तलाश नसीहत की है कि खुशी की उम्मीद न रखना बड़ी खुशी है औलाद का है एक के दिल में अरमा और दूसरे पर है बार औलाद गिरां गर चाहिए आलम ताल्लुक़ में खुशी रखे ना यहाँ ख़ुशी की उम्मीद इंसान एक रुबाई में इंसान की हकीकत बयान की है मुमकिन है कि हो जाए फरिश्ता इंसान मुमकिन है बदी का ना रहे इसमें निशान मुमकिन तो है सब कुछ पे हकीकत ये है इंसान है अब तक वही कर्नु शैतान कहते हैं सलातीन का इश्क उनके ज़वाल का सबब बनता है हर चंद बुरा है इश्क का सबके माल पर हक़ में है शाहों के खसूस बदफाल सुल्तान है अगर जिल्ले इलाही तो इश्क है जिल्ले इलाही के लिए वक्त ज़वाल वक्त की मसादत पर एक रुबाई ए वक्त बिगाड़ का है सबके चारा पर तुझसे बिगड़ने का नहीं है यारा हो जाए अगर एक तू हमारा साथी फिर गम नहीं फिर जाए जमाना सारा कहते हैं बुढ़ापे में मौत के लिए तैयार रहना चाहिए की ताते नफ्स में बहुत उम्र बसर अंजाम की रखी न जवानी में खबर कैफियत शब उठा चुके अब हाली मजलिस करो बर्खास्त हुआ वक्त सहर सच कहा है दौलत में साबित कदम रहना बहुत मुश्किल है डर है कि पड़े ना हाथ दिल से धोना जरदार जरा सोच समझ कर होना जिस तरह के सोने की कसौटी है महक है जोहरे इंसान की कसौटी सोना सच कहा है सब सोबतें बरहम होने वाली हैं नक्शे हैं खुशी के सब बिगड़ने वाले पौधे नहीं उसके जड़ पकड़ने वाले मिल बैठना है ये नाव नदी संजोग हैं अब कोई दम में सब बिछड़ने वाले उनके नज़दीक जैसी रईयत होगी वैसी ही उस पर हुकूमत की जाएगी हाकिम से भलाई की तवक्का है महाल जब तक के रैयत के भले हूँ न खसाल तुम अपने सिवा किसी के महकूम नहीं हमाल हम हैं बस यही तुम्हारे आमाल दुनिया की मौजूदा हालत के बारे में कहा है कि हैं बर्फ़ से यख़ से मुल्क पामाल कहीं ताउन है नाजिल कहीं बहुचाल कहीं अब तर है कुछ इन दिनों निज़ाम आलम न ना खल के आमाल कहीं अफसू मोहब्बत की ताकीद में लिखा है है जिनको के सैदे दिले इंसान का ख्याल लाजिम है कि फैलाएं मोहब्बत का जाल उस्ताद को याद हो अगर हुब का अमल तातील में भी न छोड़ें मकतब अतफ़ाल हाल ही कहते हैं कि एहसान बेमिन्नत ही असल एहसान है ऐसा के है गर सिले की ख्वाहिश तुमको को ऐसा है गर सिले की ख्वाहिश तुमको तो इससे ये बेहतर है कि ऐसा ना करो करते हो गर एहसान तो कर दो उसे आम इतना के जहाँ में कोई ममनून ना हो बताते हैं कि कानून बदखलाक़ी से माने नहीं होते कानून हैं बेशतर यकीनन बेकार हाशा के हो उन पर नज़म आलम का मदार जो नेक हैं उनको नहीं हाजत उनकी और बद नहीं बनते नेक उनसे जनहार एक मशवर की मुखालफत का जवाब खामोशी से बेहतर नहीं हक बोल के अहल अड़ना न कहीं भड़केगी मुदाफहत से और आतिशे की। घर चाहते हो के चुप रहें अहल ख़िलाफ़ जुज तरक ख़िलाफ़ कोई तदबीर नहीं सच है कि इंसान अपने ऐब अपने से भी छुपाता है जैसा नज़र आता हूँ ना ऐसा हूँ मैं और जैसा समझता हूँ ना वैसा हूँ मैं अपने से भी ऐब हूँ छुपाता अपने बस मुझको ही मालूम है जैसा हूँ मैं बहसीत मजमू हाल ही की ये रबायात अपने अहद की अक्का और हम असर ज़िंदगी की आयनादार हैं बड़ी बात यह है कि पंद वज्जत से लबरेज़ और नसीहतों से मामूर होने के बावसफ़ उन में यबूसत और खुशकी का एहसास नहीं होता और पढ़ते हुए तबीयत बेजार नहीं होती आज बस इतना ही अगली नशस्त में अमजद हैदराबादी की रुबाई निगारी के सिलसिले में गुफ्तु होगी शुक्रिया आदाब